राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं पटना से आई हूँ गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सती माता थी वो अग्नि में कूदी थी तो ना अग्नि में कूदी नहीं थी, अग्नि में प्रवेश की थी ना, अग्नि में प्रवेश भी नहीं किया उन्होंने, योग अग्नि के द्वारा अपने आप को उन्होंने अपने शरीर से अग्नि प्रकट कर ली और अपने आप ही जल गई। तो जो उनका एक टुकड़ा था वो पाकिस्तान में कैसे पहुंचा? पाकिस्तान पहले कोई पाकिस्तान थोड़ी था बेटा, 1947 के पहले तो हम भारत का था, वो तो बंटवारा ना हो गया। तो उसी प्रकार शंकर जी माता जी के शरीर को जलता हुआ ले लेके चले, तो जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरते गए, मैं एक दिन कथा में आपको बताऊंगा कल परसों के कौन सा अंग कहाँ गिरा, वो 52 शक्ति पीठों के मैं आपको नाम भी बताऊंगा, कौन सा अंग कहाँ गिरा सब बताऊंगा। तो जो अंग जहाँ गिरा वो शक्ति पीठ बनती गई, तो उनमें से एक पाकिस्तान में गिरी। तो चूंकि पाकिस्तान तो था नहीं, हिंदुस्तान था, बाद में ना बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में जैसे गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि भी पाकिस्तान में चली गई है, ऐसे ही है कि वो माता जी का एक स्थान भी चला गया, हमारे बुजुर्गों ने बंटवारा ठीक से किया नहीं। और मेरे जीवन में ना कथा से बहुत बदलाव आया है, जैसे गुस्सा भी बहुत आता था और पूजा पाठ कैसे करना चाहिए आपसे सीखने को मिला। और आप तो कहते हैं कि द्वापर में कृष्ण भगवान थे, कलयुग और उसमें त्रेता में राम थे, पर आप कलयुग के तो भगवान हैं हम लोग के लिए, कि आप लोगों सब में बदलाव डाल दिया आपने, आपने भगवान अपने भगवान से जोड़ दिया। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में खुश रहिए। मैं जिला बिजनौर से आई हूँ, मेरा सवाल यह है गुरु जी, मैं आपके दर्शन 1 साल से करना चाह रही थी, मेरे को नहीं मिल पा रहे थे। 1 साल से मैं YouTube पे आपकी कथा सुन रही हूँ, बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है मेरे में। क्या बदलाव आया? आपकी कथा मेरे को बहुत पसंद आती है। क्या पसंद आया? आपके वचन, आपका बोलना, आपका व्यवहार, माता की सेवा करनी, गौओं की सेवा करनी, बंदरों की सेवा करनी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खुश रहिए गुरु जी। एक सवाल हो रहा है मेरा गुरु जी, मेरे पति पे, मेरे लड़के पे शनि की दशा चल रही है, एक बार उसका उपाय बता दीजिए। जो हनुमान जी की भक्ति करता है, जो हनुमान जी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है और सुंदरकांड का पाठ नित्य करता है, कभी उस पर शनि की दशा नहीं होती। ठीक है गुरु जी। कभी शनि के दुष्प्रभाव नहीं होते, क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे ना, तो शनि को हनुमान जी ने लंका में रावण के चंगुल से छुड़ाया था। गुरु जी आज तो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तो शनि तो शनि ने हनुमान जी से कहा कि आपने मेरा दुख दूर किया है, बताइए आपको मैं क्या दूं। तो हनुमान जी ने कहा जो मेरी शरण में आ जाए और जो सदा राम नाम जपे, आप शनि महाराज उसे कभी परेशान ना कीजिएगा, ये हनुमान जी ने मांग लिया था। गुरु जी मैं आपके उसमें 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे आपके दर्शन हो गए, अब भी यकीन नहीं है। गुरु जी मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी आज मैं वृंदावन से लड्डू गोपाल भी लाई हूँ। चलो अच्छा है, आप भगवान को नहीं मानते थे अब मानने लगे। गुरु जी मेरे पति आपकी कथा नहीं सुनते थे, लेकिन वो भी 6 महीने से सुन रहे हैं, बहुत बदलाव आ गया। आप पहले भगवान को क्यों नहीं मानते थे? वो बाबा हुआ में यकीन नहीं करते थे, लेकिन मैं कथा सुनाती थी तो नहीं सुनते थे, लेकिन फिर भी मैंने सुनाई, वो सुनने लगे, आप पे बहुत भरोसा करते हैं। खुश रहिए गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, सदा सुखी रहिए।